अब जो हमने अभी तक सीखा है उसी में हमको कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि सॉरी 64 बाई 455, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, है ना, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो हम लंबी विभाजन प्रक्रिया देखें और हम पूरा भाग निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जितना हम सीख चुके हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमें बताना नहीं कि एग्जैक्टली क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो इसका हर है उसको देख लेंगे, उसके गुणनखंड देखेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ 455 के गुणनखंड करेंगे। तो ये दो तरीके हैं, ये तरीका बहुत ही बड़ा है, लंबा तरीका है, बड़ा तरीका है, और ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये है आसान तरीका, इसमें हम क्या करेंगे, इससे निकाल देंगे हम लोग क्या गुणनखंड। तो क्या क्या हो जाएंगे, 5 से देखो, 5 दिख ही रहा है, जा रहा है, 5 में 45, 5 एकम 5, 7, 7 एकम 7, 2 और 1 13, 13 1। अब जो भी आपका हर है उसमें 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो निश्चित रूप से ये अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। और साथ में क्या होगा, आवर्ती। समझ गए, बस ये है, कुछ भी पूछा जाएगा इस तरह का तो हम उसको फटाफट कर देंगे। अगर हमसे पूरा दशमलव का प्रसार नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ उसकी प्रकृति पूछी जा रही है, तो सिर्फ हर को देखना है, बस इतना आपको समझ लेना है। अब ये सारी चीजें बता बता करके मैं थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ। बोर इसलिए होने लगा हूँ, कुछ है ही नहीं यार इसमें, कुछ नया है ही नहीं। आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या एक ही चीज आप उतनी देर से बता रहे हो। अब एक चीज आ जाती है इसी में, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। 129 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की घात 5 लिखा हुआ है, 7 की घात 2 लिखा हुआ है, 5 की घात 4 लिखा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्या करना है अपने को, हर का वैसे भी फैक्टराइजेशन करना था अपने को, तो वैसे भी जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड पता करने थे। यहां पर पहले से ही दिख जा रहा है कि 2 की घात तो कुछ है, 5 की घात कुछ है, लेकिन सिर्फ 2 की घात तो सिर्फ 5 की घात तो है नहीं, साथ में क्या है, 7 की घात भी तो है। और इस वजह से इसका जो भी दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, वो होगा अशांत और साथ में आवर्ती। और ध्यान करिए, अशांत का दूसरा नाम क्या था, अनवसानी। अनवसानी थोड़ा सा फनी नाम लगता है मुझे ना, अनवसानी। अच्छा, अब इसी की उल्टी कहानी है, एक ही चीज बार 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 आपसे पूछी जाएगी। इसमें बोला जा रहा है कि ये एक दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम पी बटे क्यू में बदलेंगे तो उसमें क्यू की प्रकृति कैसी होगी, क्यू क्या होगा। तो भाई आपको दिख रहा है कि ये शांत है या अशांत है, पहले तो ये देखिए, अशांत है। अशांत कैसे है, क्योंकि इसमें 2 साथ 2 साथ हमेशा आता रहेगा। शांत मतलब जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक आकर के रुक जाए, तो ये अशांत है। इसका मतलब जो क्यू है ना वो कैसा होगा, 2 की घात m, 5 की घात n, सिर्फ इसका जो टर्म्स है वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई और अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, अन्य अभाज्य संख्याएं संभव। ठीक है, एक ना एक तो होगी ही होगी, तो ये बात है, आप देख करके बता सकते हो। ऐसे ही आपको लिखा हुआ है 8.725, इसमें क्यू कैसा हो जाएगा, इसमें क्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का, जहां m और n क्या है, m और n जो है वो कैसे हैं, नॉन जीरो, यानी कि z प्लस से तो ही है, साथ में 0 भी आ सकता है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। z प्लस का मतलब क्या हो गया, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, और हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं, 0 से इंफिनिटी। ये वाले जो तरीका है ना, ये आप लोगों के सिलेबस का भी है नहीं, ये आप और आगे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं, इसको आप लिख दीजिए ऋणेतर पूर्णांक। अरे इसमें ध्यान रखना, ये अभी आपके सिलेबस का था नहीं, लेकिन इसमें इधर ऐसे ही आएगा और इधर ऐसे आएगा, है ना। नहीं, ये फिर भी गलत लिख दिया है मैंने, सॉरी, इसको हटा देते हैं। ये वाला मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे। हाँ, एक मिनट, बस मैं दूसरा कुछ करने जा रहा हूं। इसमें m और n जो है वो क्या है, वो है ऋणेतर पूर्णांक, मतलब शून्य और बाकी के जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो हो सकते हैं। ठीक,
ये छोटी छोटी चीजें आप एक बार समझ लोगे फिर कुछ है नहीं, फिर आपको लगेगा अरे अब तो कुछ नया बचा ही नहीं, समझे। अब इसी में तो हम लोगों ने बहुत सारी दशमलव प्रसार को पी अपॉन क्यू में भी बदल लिया है ना, पी बटे क्यू में हमने उसको परिवर्तित कर लिया, साथ में ऐसे ही हम लोगों ने पी बटे क्यू को दशमलव प्रसार में बदल लिया। बिना बदले हमने ये बता दिया कि क्यू कैसा होगा, पी बटे क्यू को बिना बदले हमने ये बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, और अशांत है तो आवर्ती होगा। लेकिन अगर आप ये बताइए कि आपको एक ये दिया गया है टर्म 0.120, 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
इसमें क्या दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? आप कहेंगे सर तीन ही तो अंक है, तीन अंक कौन कौन से हैं? एक है, दो है, जीरो है, लेकिन उसके बाद फिर एक दो जीरो आया तो फिर एक नया चीज आ गई बीच में, फिर एक दो जीरो आया तो फिर ये जो नई चीज थी ये दो बार आ गई, फिर एक दो जीरो आया उसके बाद से ये नई चीज तीन बार आ गई, फिर एक दो जीरो आया फिर उसके बाद चार बार आ गई, तो उसके बाद से फिर एक दो जीरो आएगा तो फिर ये पांच बार आ जाएगी, ऐसा चलता चला जाएगा। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसमें एक पैटर्न तो बन रहा है। पैटर्न कैसे कैसे बन रहा है कि इसमें मुझे समझ में आ जा रहा है कि आगे क्या आएगा। अगर ये पैटर्न नहीं बनता तो मैं आगे वाली बात बता ही नहीं पाता। एक पैटर्न बनेगा तो अभी तो बता सकता हूँ। अब अगर मुझसे कोई बोले कि अच्छा ये बताइए कि मैंने कहा सात, मैं कहूँगा ठीक है, अगला अंक मैं क्या सोच रहा हूँ मैं नहीं बता सकता। लेकिन उसने बोला कि अच्छा मैं एक पैटर्न में कुछ संख्याओं को सोच रहा हूँ, मैंने बोला एक, तीन, पाँच, सात, तो अगली संख्या क्या होगी? तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि नौ होगी। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि वहां पर एक पैटर्न बन रहा है और जो पैटर्न्स है ना उनको हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम पहचानना स्टार्ट कर पाते हैं, उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ऐसा पैटर्न बन रहा है तो आगे जाकर के ऐसी चीज होगी। यहां पर एक पैटर्न तो बन रहा है लेकिन क्या एग्जैक्ट जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। यहां के बाद यहां पर आपको लग सकता है लेकिन यहां पर नहीं हुई, यहां पर एक नई चीज आ गई। तो ये जब नई चीज आ गई तो वो पूरी संख्या बदल गई। तो इसमें भले ही एक पैटर्न बन रहा है लेकिन दशमलव के बाद अंकों की एग्जैक्ट पुनरावृत्ति नहीं हो रही है जैसे कि इसमें हो रही थी। इसमें क्या था? एक दशमलव के बाद दो सात है, फिर दो सात है, फिर दो सात है, फिर दो सात है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो इसमें दो सात दो सात दो सात दो सात ये रिपीट कर रहा है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो जब यहां पर ऐसा नहीं है तो इसको क्या हम पी बटे क्यू की अवस्था में बदल पाएंगे? क्या हम इसको पी बटे क्यू, जहां पर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हों और क्यू जो है वो जीरो ना हो, इस तरह की अवस्था में बदल पाएंगे? तो जब इसको बहुत लोगों ने बदलने की कोशिश की, ये ट्रिक्स लगाई वो ट्रिक्स लगाई, उसके बाद भी इसको बदल नहीं पाए। तो हुआ क्या उससे? उससे ये हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना इसको हम पी बटे क्यू में लिख नहीं सकते हैं। और अगर पी बटे क्यू अवस्था में नहीं लिखा जा सकता है तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्या में जरूरी नहीं है कि पैटर्न ना बने, पैटर्न बन रहा है, आवर्ति नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि पैटर्न बने ही बने, नहीं भी बन सकता है। तो इस तरह का जो भी प्रसार है ना, जब ये दिखा तो लोगों ने बोला कि भाई कुछ तो इरेशनल हो गया, ये तो बड़ा बेतुका सा है, बड़ा अजीब सा है। और बेतुके और अजीब को ही एक तरह से इरेशनल बोला जा सकता है इंग्लिश में, और इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्यों? परिमित नहीं है, उसको सीमित नहीं है, वो लिखता चले जाओगे लिखते चले जाओगे पी बटे क्यू में आ नहीं रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं हम लोगों ने देखी उनको हम लोगों ने बोल दिया अपरिमेय। और ये संख्याएं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब भी संख्याओं को सीखना स्टार्ट करते हैं तो गिनती से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार, जिसको गिनना बहुत आसान है। लेकिन प्रकृति में अपरिमेय संख्याओं का बड़ा महत्व है। जैसे पाई, अब आप बोलेंगे सर पाई कैसे प्रकृति में आ गई है? मैं पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने नाइन्थ क्लास मुझसे नहीं पढ़ी है या मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि पाई क्या होता है। तो लोग बोलते हैं सर कोई भी सर्कल है तो उसकी अगर त्रिज्या आर है तो उसकी जो क्या होगी, इसकी परिधि बोलते हैं ना, तो उसकी जो परिधि है वो क्या होगी? वो हो जाएगी सर 2πr। ठीक है, वेरी गुड। और इसका जो
व्यास होगा वो ये वाला भी आर हो जाएगा, तो कुल जो व्यास मिलाकर के क्या हो जाएगा, टू आर। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बेटा पाई क्या है, मुझे तो पाई बताओ, ये दुनिया भर की कहानी क्या बता रहे हो। तो कहते सर ऐसा है, इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। लेकिन बेटा मैं तो पाई पूछ रहा हूँ, पाई क्या है। तो आप कहते हो कि सर पाई तो क्या है, पाई तो 22/7 होता है। ठीक, और उसके बाद से आपने अपने दांत चियार दिए, है ना। एक मूवी आई थी मुक्काबाज, है ना, अच्छी मूवी थी, मतलब मुझे अच्छी लगी, एक्टिंग अच्छी की गई थी उसमें। तो उसमें भी एक डायलॉग आता दांत चियार दिया, तो दांत चियारने में क्या होता है, बहुत खुश हो गए एकदम से, कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया। तो पाई को हम लोग 22/7 लिखते हैं ना, ऐसे कुछ लोग बोलते नहीं सर ये 3.14 होता है, ये कुछ नहीं है पाई, ये सब नहीं है पाई। पाई है क्या वास्तव में, ये एकदम गलत नहीं है, लेकिन पाई ये नहीं है। पाई होता क्या है, पाई ये होता है कि आपने ऐसे करके एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया, इस वृत्त को बनाने में जो भी ये तार लगाया, जितनी मैंने ये कलम चलाई है अपनी, समझ रहे ना आप, इस पेन को ही अगर इसको आप सीधा करके ऐसा करके रख दोगे तो इसकी परिधि को आपने खोल करके रख दिया, इसी को आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे करके खोल करके यहां पर रख दिया, ये हो गई परिधि की लंबाई, और साथ में इसके व्यास की कुछ लंबाई थी। ठीक, ये लंबाई आपने कर दी यहां पर। अब आप इस लंबाई से, इसके व्यास की लंबाई से इस लंबाई में जब भाग देते हो ना, यानी कि क्या, परिधि की लंबाई में, सिर्फ परिधि में नहीं, परिधि की लंबाई में जब आप इसके व्यास से भाग दोगे, किसके, किसी भी वृत्त के, कैसा भी वृत्त है, कैसा भी, कोई भी, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा वृत्त बनाया ये भी, और ये इतना बड़ा मान लो बन रहा है जो इस बोर्ड पर आ ही नहीं पाएगा वो भी, और यहां तक कि इससे भी बड़ा, कितना भी बड़ा बना दो, हर व्रत की परिधि और उसी व्रत के, जो व्रत पहले लिया था या जिसकी आप परिधि ले रहे हो उसी व्रत का अगर आप व्यास लोगे, तो उनको जब आप भाग दोगे ना परिधि में व्यास से, उसकी परिधि की लंबाई में उसके व्यास से, तो आपको एक ही संख्या मिलती है, एक ही संख्या मिलेगी हमेशा, और एक ही संख्या मिलेगी, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, नियत, और एक ही अंक की एक ही संख्या मिल रही है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नियतांक। तो अभी जब आप लोग कक्षा 11 में जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे नियतांक पढ़ने को मिलेंगे, और आप कहेंगे कि नियतांक क्या होता है, नियतांक का मतलब नहीं बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, तो ये एक नियतांक है, और इस नियतांक का जो मान है वो एक ही संख्या जो मिल रही है उसका मान क्या है, उसका मान 3.14159926 ऐसे चलता चला जाता है, और इतनी बड़ी संख्या तो हम लिखेंगे नहीं, जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो एक तो लिख ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, एक की अपरिमेय संख्या है, और इसको हम कभी भी लिख ही नहीं पाएंगे। इस वजह से हम करते क्या है, हम इतनी बड़ी संख्या के लिए एक चिन्ह बना देते हैं, और उस चिन्ह का नाम पाई है। तो पाई जब आप बोलते हैं कि 22/7 है, 22/7 नहीं है, 22/7 जो पाई का वास्तविक मान है उसके काफी समीप वैल्यू है, उसके काफी क्लोज है, और इस वजह से हम लोग 22/7 को पाई के बराबर मान लेते हैं। लेकिन पाई जो है वो वास्तव में वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है। आई ना बात समझ में। तो ये जो मैंने आपको बताई इतना लंबा ज्ञान क्यों दिया, ये ज्ञान सिर्फ इसलिए दिया कि हमारी प्रकृति में ऐसा नहीं है, अपरिमेय संख्या हम लोगों ने पहली बार जब देखा होगा तो सोचा होगा यार क्या ये अपरिमेय संख्या क्यों पढ़ाई जा रही है, कहां हम लोग इसको यूज करते हैं। तो वास्तव में जब आप सही से देखना स्टार्ट करोगे तो प्रकृति में अपरिमेय संख्याओं की भी भरमार है, समझ रहे ना, हमें जबरदस्ती हमारे दिमाग की कसरत कराने के लिए सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, उसका भी अपना मजा है, उसका भी बहुत फायदा है, लेकिन साथ में हमारे पास वास्तविक चैलेंजेस ऐसे हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ना वो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरह से हल कर पाने के लिए हमें इन सारी चीजों को समझना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्यों क्या समझा कि पाई होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत लोग हैं यार जो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, थोड़ा दुख होता है मुझे, उनको भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बनी रही हैं, हमेशा से बनी रही हैं, और जो बहुत ऊपर ऊपर की दिखावटी चीजें हैं ना उन पर जोर रहता है कि आप अच्छी राइटिंग में लिखो जिसका महत्व है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते खुद पढ़े या खुदा पढ़े, बाकी पढ़े ना कोई, है ना, ऐसा लिखेंगे कि सिर्फ आप पढ़ पाओगे और सिर्फ खुदा पढ़ पाएगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप ऐसी राइटिंग में लिख करके आ जाएंगे तो फिर बड़ी समस्या की बात है।
लेकिन आगे आने वाले जमाने में शायद हमें ट्रांसक्रिप्शन की बहुत मदद मिलेगी। ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करना समझते हैं। ट्रांसक्रिप्ट करना होता है कि आप बोल रहे हो और कोई लिखता जा रहा है, जैसे कि हमारी पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि वेद व्यास जी बोलते चले गए और गणेश जी लिखते चले गए, तो महाभारत लिख गया है ना, तो उस तरह की चीजें हैं। तो गणेश जी जो थे वो एक ट्रांसक्रिप्ट वाला काम कर रहे थे, राइट। तो उस तरह की चीजें हो जाएंगी तो आपको लिखने का उतना जरूरत शायद पड़ेगी नहीं। और वैसे भी अभी हम लोग कंप्यूटर्स पर काम करते हैं तो बहुत तेजी से कर रहे हैं सारे लोग। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूंगा, बहुत बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि 5-6 महीने तक मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर पर चल रहा है, सिस्टम्स पर चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर वाली जो चीजें हैं ना उनको भी महत्व दो। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा पूरा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, उसमें सुपरफिशियल चीजें जो है ना ऊपर ऊपर की जो सतही हैं उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन जो एकदम अंदर की चीज है उसको बहुत क्या महत्व दिया जाता है। और इसका शिकार मैं भी रहा हूं, क्योंकि मैं भी इन्हीं सारी चीजों को महत्व देता आया बचपन से कि नहीं इसको ऐसे से लिखना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे 2 लाइन खींच दो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कॉपी को और पोत देते हैं, ऊपर कुछ लिख देंगे ओम गणेशाय नमः, कुछ लोग पूरा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पूरा गायत्री मंत्र लिख देंगे। तो ये सारी चीजें करने से मतलब वो करो, आपकी अपनी श्रद्धा है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो चीजें महत्वपूर्ण सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।